सारे होते हैं और आई थिंक अगर आप ये लॉटरी निकले तो आपको पहली चीज ये नहीं करनी चाहिए कि ओह आई एम गोना डू दिस, लेकिन आपको पहले ये करना चाहिए जस्ट कीप इट क्वाइट, इससे पहले आपके सारे पैसे चोरी हो जाए, व्हिच आई डाउट बट स्टिल. लेकिन ये नहीं कि आपकी लॉटरी निकले ओह आई एम गोना डू दिस थिंग, आई एम गोना डू दैट थिंग. पहले आप पेशेंटली सारा लेकर चलो, सेव दैट मनी राइट, या तो आप चैरिटी में दे दो जिसका आपका टैक्स होता है. ऑब्वियसली यहाँ पर आई थिंक टैक्सेस का मुझे इतना नहीं पता, लेकिन चैरिटी में आप जब दो तो आपके टैक्स समथिंग कोई उसके रिलेटेड कोई चीज़ होती है. तो ये जस्ट ठेके यू नो स्टेप बाय स्टेप. अगर आपकी लॉटरी लगी, मैं तो इसमें बता रही हूँ कि अभी आप लोगों को मैं कोई यहाँ पे वो गेम प्राइज गेम होने वाला है समथिंग जिसमें से आप लोगों की लॉटरी निकलेगी कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए. आई एम जस्ट सेइंग राइट, लॉटरी इतना निकलती है लोगों की, ऑब्वियसली निकलती है तो फर्स्ट थिंग क्या करते हैं, आई थिंक मोस्टली दे जस्ट गिव दैट मनी, हाफ ऑफ द मनी चैरिटेबल लाइक ट्रस्ट एंड एवरीथिंग शायद वहाँ पे देते हैं. लेकिन वो आई वुड डू इज मैं क्या करूँगी, आई हैव नो आइडिया टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आई डोंट नो, आई थिंक इट्स जस्ट सेम थिंग रियली. कुछ लोगों के ओपिनियंस होते हैं कि वो जो है वैसी लाइफ जियेंगे जितना भी, आई वॉज जस्ट आस्किंग सम पीपल अराउंड के I was asking someone downstairs abhi office mein, so they were like ke, obviously they wouldn't feel anything different kyunki wo jo abhi cheeze le sakte hain wo baad mein bhi le sakte hain jab lottery lag jaye. So I think kuch logon ke liye hota hai ke na it's all right hum save kar lenge and all that, so I think it's like not a biggie agar lagti bhi hai, but it's just you know ab agar lag jaye to I think we should plant trees. अगर मेरी लगे तो मैं पूरे यहाँ कराची में हर जगह trees ही trees हूँ ताकि raining हुआ करे. Obviously कराची में आपको थोड़ा चाहिए ना greenery चाहिए, क्योंकि आप seen के यहाँ पर इतनी greenery नहीं है, which I don't really like. अगर यहाँ पर कराची में इतना इनको करनी चाहिए planting and everything करनी चाहिए, इनको trees लगाने चाहिए ताकि जो है बारिश होए, हमारा जो city है कराची अच्छी लगे, बाहर बंदा निकले तो ये नहीं कि मिट्टी और मिट्टी हर जगह नज़र आ रही है, trees होने चाहिए, you know greenery हो, हवा चल रही हो जिस तरह इस्लामाबाद में होता है, इस तरह का होना चाहिए. ऑब्वियसली जो हमारा हाफ ऑफ पाकिस्तान है इतना इट्स सो क्वाइट ब्यूटीफुल वाइट, बहुत ही इतना खूबसूरत है, हम उसको अगर इन्हांस करना चाहें हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एफर्ट्स नहीं करता है. यू नो जिस आई थिंक ये कोई सेइंग है, अगर इंसान अपनी खुद हालत नहीं बदलेगा तो अल्लाह ताला भी उसकी हालत नहीं बदलते. इस तरह आपको खुद अपना करना चाहिए, यू नो जस्ट डू मेक एफर्ट्स. अगर आप एफर्ट नहीं करोगे तो आपकी वो जो चीज़ है वैसी ही रहेगी. हमें अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड अस विद दिस कंट्री, पाकिस्तान हमें दिया है, हम उसको कुछ कर ही नहीं रहे, हम बस ऐसे ही बैठे हैं, हम लोगों पे डिपेंड कर रहे हैं कि वो ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हालांकि वो कुछ भी नहीं करते हैं लोग. ऑब्वियसली हमने सारा देखा हुआ है, लेकिन हमें करना चाहिए, यू नो जस्ट लुक आफ्टर अवर कंट्री. जस्ट आई यू नो नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान हमारा इतना खूबसूरत है, इस लाइक अगर आप वहाँ पर जाएँ, मैंने ऑब्वियसली गूगल पर देखा है, और गूगल पर जब बात आती है तो जो बाहर एब्रॉड है राइट यूके अमेरिका यहाँ पर, उन लोगों को हमारी जो कंट्री है बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे करवाते हैं, जिस तरह मीडिया पर दिखाते हैं कि हमारी कंट्री में बहुत ही पुराने ज़माने वाली पिक्चर्स दिखा देते हैं मीडिया पर, और हमारी नई जो चल रहा है जिस तरह इस्लामाबाद की पिक्चर्स हैं नॉर्थ की हैं, कराची में भी जो इतनी वो मॉल्स बने हुए सारे, ये पिक्चर्स वो नहीं दिखाते इंटरनेट पर. और बाहर जो है लोग समझते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आई हैव बीन देयर, आई नो कि वो क्या सोचते हैं हमारे मुल्क के बारे में, यू नो व्हाट दे से राइट. वो लोग वहाँ पर बोलते हैं कि ओह तो तुम्हारी कंट्री में रेस्टोरेंट है, आई वाज लाइक यस ऑब्वियसली रेस्टोरेंट है क्योंकि हमारी कंट्री इतनी भी बुरी नहीं है. और फिर बोलते हैं अच्छा तुम्हारी कंट्री में यू नो लाइक बहुत सारे फेमस फ्रेंचाइज हैं और ये वो सारे हैं या नहीं है ऑल दैट. तो लेकिन भैया आउटसाइड पीपल दे थिंक लाइक कि हमारी कंट्री में इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है. Right, so it's kind of crazy, but I'm just gonna continue this after this short break. Don't go anywhere. Keep watching Girls Republic. Tick clap, boom, boom, clap. Hello, guys. Welcome back from the break. You guys are watching Girls Republic. This is Bex here, and you guys can call us live. और हम आज बात कर रहे हैं lottery. और हमें आप call करें और आप बताएं कि आपको जो है आपको अगर आपकी लॉटरी लगती है तो आप पहली चीज क्या करेंगे, व्हाट्स दैट फर्स्ट थिंग यू गाइस आर गोना डू इफ यू गाइस विन द लॉटरी. सो ऑल यू गाइस हैव टू डू इज कॉल अस लाइव एंड टेल अस अबाउट योर व्यूज एंड एवरीथिंग, एंड वी बी सो इट वुड बी वेरी नाइस टू नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट, बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक ऑनेस्टली दिस इज समथिंग क्वाइट यू नो अनबिलीवेबल थिंग फॉर मी, बिकॉज आई डोंट नो मेरी नहीं लगी तो इसलिए यू नो मैं अभी तक कभी मैंने एक बार ट्राई किया था, तो आई थिंक I don't believe in this, to be honest. Believe hota hai na, believe karna. I don't. But yeah, we were all about, before going for break, pehle hum baat kar rahe the, I was talking about greenery and everything, right?
और भी मैं कहा माय फादर ही वाज टेलिंग मी के हिज फ्रेंड बेसिकली उन्होंने बताया था ऑब्वियसली तो ये अच्छा बहुत इसका जो अभी मैंने बोल रहा था कि जिस तरह अब्रॉड में हमारे को बहुत बुरा पोर्ट्रे करते हैं मीडिया ऑब्वियसली दिस मीडिया अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत वहाँ गलत दिखाता है ऑब्वियसली वहाँ के लोगों को इतना पता नहीं है कि हमारी कंट्री इज लाइक ब्लेस्ड क्योंकि हम उसको इन्हांस नहीं करते हम उसको कुछ करते ही नहीं है सो आई थिंक दिस इज़ आवर ओन फॉल्ट हमें खुद हम अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए और स्पीकिंग ऑफ दिस थिंग आई थिंक फॉर इन ऑगस्ट को वी आर गोना बी डूइंग समथिंग गुड और आप हमें बताएं आप हमें फीडबैक दें अपने पेज पे ARY म्यूजिक के पेज पे आप जाएं या मेरे बेक्स खान पेज पे जाके आप बता दें अगर आप इंटरेस्टेड हैं बिकॉज आई एम गोना मेक माय ओन टीम मेरे टीम बनने में आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप उस पे जाके कॉन्टैक्ट करके हमें बताएं और वी आर गोना कॉन्टैक्ट यू गाइस उस टीम में ऐसा होगा हम जाके 14 अगस्त को वी आर गोना डू समथिंग क्रेजी फॉर आवर ओन कंट्री ऑब्वियसली हम कुछ करेंगे सो उसके लिए मुझे एक टीम चाहिए तो आप लोग हमें वो करें कॉन्टैक्ट करें हमारे पेज पर ARY म्यूजिक पर जाकर आप कॉन्टैक्ट करें या तो मेरे फन पेज पर बैक्स फन पर जाकर आप बताएं कि आपको अगर आप इंटरेस्टेड हैं सो या स्पीकिंग ऑफ दैट थिंग जैसा अभी देयर वाज दिस हॉलीवुड एक्टर हॉलीवुड का एक एक्टर है वो जो है उसका नाम आई थिंक नाम मैं भूल गई रॉबर्ट डेनिरो आई थिंक और उसका जो है He used to like, okay, I'm gonna continue this because I've got a call. Or pay call. Are you sure? Okay, we'll take it. Hello. Hello, assalamualaikum. Wa alaikum assalam. कौन बात कर रहा है? अक्सा बात कर रही हूँ. अक्सा, कैसी हो? कहाँ से बात कर रही हो? मैं कराची से बात कर रही हूँ. बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं? मैं ठीक. और सुनाओ कैसा दिन चल रहा है? बस ऐसी boring. Boring? क्यों? बस कुछ है ही नहीं करने को स्कूल की भी छुट्टियां हैं अच्छा तो छुट्टियों में तो मजे करो फिर स्कूल खुल जाने क्या मजे करें मजा ही नहीं आता मौसम अच्छा है कहीं बाहर रेस्टोरेंट चले जाएं सी साइड चले जाएं कहीं रात को प्रोग्राम है रेस्टोरेंट पे जाने का अच्छा मेरा भी है मेरा फ्राइडे को प्लान है सो आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड और अक्सर आज का क्वेश्चन पता है आपको नहीं मुझे टॉपिक नहीं पता मैंने अभी भी अच्छा एनीवे आपकी सपोज आपको कल कॉल है आपको पता चले आपकी लॉटरी लग गई है व्हाट यू गोना डू बहुत बड़ी लॉटरी लग गई जैसे आप अपनी हर विश पूरी कर सकती हैं यू नो इट्स जस्ट अ जनरल क्वेश्चन तो आप क्या करेंगी सबसे पहली चीज आप क्या करेंगी मैं सबसे पहली चीज मोबाइल लूंगी सबसे पहले तो अच्छा ऑलराइट और फिर कौन सा फोन लेंगी चले और क्या करेंगी कोई बड़ी विश नहीं है आपकी नहीं तो कुछ नहीं है अच्छा तो बस पैसे सेव कर ले जिस तरह अभी लाइफ गुजर रही है मतलब ऐसी यू नो इतना बिग डील नहीं बनाओगी अगर मेरी एज बड़ी होती ज्यादा मैं थोड़ी बड़ी होती तो कोर्स में पाकिस्तान के बाहर दुबई जाती थी हाँ राइट तो चलो ना वो लॉटरी के सारे होता है अमाउंट होएगा वो खत्म थोड़ी ना हो जाएगा उसको सेव रख के आगे चली जाना है ना नॉइस प्लान इज इन और आप क्या करती मैं पूरे पाकिस्तान में मैं सोची मैं दरख्त लगाऊं कराची में मोस्ट ऑफ ऑल होना चाहिए बारिश होएगी कराची में लगाना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली हमारा यहाँ बीच है और जहाँ पे समंदर है ऑब्वियसली हमारी सिटी में हम वहाँ ही बारिश नहीं हो रही तो कम ऑन मैन ऑब्वियसली कोई नॉनसेंस कॉमन सेंस वाली बात कर रही हूँ लाइक यहाँ पे होना चाहिए यू नो व्हाट डू यू से यहाँ पे ट्रीज होने चाहिए कराची में होना चाहिए और लेकिन हमारे मुल्क के लोग जो ख्याल ज्यादा नहीं रखते बस एग्जैक्टली खाते नहीं है वो बस तो जो ये करो वो करो हाँ बस बोलते हैं एक दूसरे को बोलते रहते हैं और खुद अपने यहाँ कुछ नहीं करते कुछ नहीं करते ये होता है अच्छा चाहे मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर में प्लांट लगाना अच्छा तो हमारा जो है 14 अगस्त को हम कुछ करेंगे हमें उसके लिए टीम चाहिए तो उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमें आप कॉन्टैक्ट करके आप बता दें पेज पर मेरे पेज पर आप बैक्स खान पे जाके आप बता दें इफ यू आर इंटरेस्टेड मेरी टीम बनने के लिए मेरे टीम में आने के लिए तो आप प्लीज लेट अस नो ऑलराइट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग Alright guys, मैंने जो बात बोली थी जो हॉलीवुड एक्टर की एक बात थी I'm gonna continue that after the short break. So don't go anywhere, keep watching Girls Republic.
Hello guys, welcome back from the break, and I was about to trip over from the chair because I'm always up to chill little things, because that's just me, you know, I'm just doing crazy things all the time. But yeah, you have to be a little crazy in life to be having fun, you know. So yeah, you guys, we're all about today's question, well, topic slash gossiping and all that chatting stuff is like about lottery. Right, if you guys win a lottery, what would you do? Aap kya karenge aapki agar lottery nikalti hai? What are you guys gonna do about it? So yeah, we're just, you know, sometimes we just think that belief jo hota hai, faith hota hai, wo kabhi aapka khatam ho jata hai. You go like, nahi, ye cheez nahi hogi, this thing is not gonna happen, you know. It's all on that thingy which is called believing. So believe in yourself, believe in everything, and see how things work out. So we've got a call, we're gonna take that. Hello? Hello? Hello, assalamualaikum. Walaikum assalam, kaun baat kar raha hai? Maham, kahan se? Karachi se. कराची से. कैसी हो माहम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ. कैसा दिन गुजर रहा है? दिन अच्छा गुजर रहा है. अच्छा, क्या किया पूरा दिन? पूरा दिन कुछ भी नहीं किया. कुछ भी नहीं किया और अच्छा गुजर रहा है. ये बात होती है ना, कुछ भी नहीं कर रहा फिर भी अच्छा गुजरता है. और सुनाओ माहम, अभी क्वेश्चन पता है हम किस बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, अभी मैं देख नहीं रही प्रोग्राम. क्यों? टीवी ऑन चैनल नहीं आता. ओह, यू नो व्हाट यू कैन डू, आप इंटरनेट पर जाकर देख सकती हो. हाँ, ये भी ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग देख सकती हो. और हमारा आज का क्वेश्चन है, इफ यू विन द लॉटरी राइट, तो आप क्या करेंगे? आपकी लॉटरी लगती है तो आप क्या करेंगे? मैं लॉटरी लगती है तो मैं सेव कर लूंगी पैसे. राइट, कितने साल की हो? मैं 18. 18, तो क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के, क्या करना है आगे चल के? न्यूज एंकरिंग. न्यूज एंकरिंग, अच्छा. तो अगर लॉटरी लग जाती है तो न्यूज एंकरिंग फिर भी प्रिफेयर करोगी? हाँ. अच्छा, राइट, तो उसको सेव करोगी फिर जी, जो पैसे होंगे. ऑब्वियसली यही करना चाहिए, सेव करना चाहिए, दैट्स गुड. अच्छा, खर्च करके कोई वो नहीं होगा फिर? हाँ, खर्च करके कोई फायदा नहीं होगा. हाँ एग्जैक्टली, खर्च करोगी फिर वो चीज़ों पे लग जाएंगे. सो यू नो इट्स काइंड ऑफ पॉइंटलेस, सेव योर मनी. और अगर स्पेंड करना है तो अच्छी चीज़ों पे करो जो वर्थ हो जिसकी. जी बिल्कुल, राइट. तो अक्सर हम जो है 14 अगस्त को, अभी मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने सुना हो, 14 अगस्त को हम कुछ करेंगे माहम, सॉरी. तो हम उसके लिए, हमें टीम चाहिए. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हम कुछ करेंगे उस दिन, समथिंग वी आर गोना डू फॉर पाकिस्तान. सो प्लीज़ जॉइन अस, अगर आप करना चाहती हैं, आपके फ्रेंड्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं. मैं कोशिश करूँगी. और राइट, तो आप अपना जो है फीडबैक या कुछ भी अगर आपको कुछ पूछना है, आप पेज पर जाके, मेरे पेज पर जाके आप दे सकती हैं. All right, Maham, Aksar, thank you for calling. Maham, sorry, I'm so sorry about that. But yeah, guys, this time मुझे थोड़ी memory problem हुई थी, मैं भूल जाती हूँ ये क्या बात हुई थी, दो मिनट पहले क्या बात थी, दो मिनट बाद. But anyway, हाँ, मुझे थोड़ा बादाम खाना है, मेरे डायरेक्टर बता रहे हैं मुझे खाना चाहिए, और मैं खाती नहीं हूँ, because you know, कौन ख्याल रखता है अपना आजकल, लेकिन रखना चाहिए, you know, in life you have to look after yourself, just like अपना ख्याल रख रहे हो और अपनी कंट्री का भी ख्याल रखो. अभी मैं पहले जहाँ से बोल रही थी, हॉलीवुड का हमारा एक एक्टर, हमारा तो नहीं, हॉलीवुड का, हॉलीवुड का इज वन ऑफ देम एक्टर, और वो जो है हर साल, तो आई डोंट नो अबाउट रियल थिंगी, बट ही कम्स टू नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान. वो नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में आई थिंक कहीं, अभी मैं गूगल पर पढ़ रही थी और मेरे पापा ने भी बताया था मुझे, वो आई थिंक चित्राल में आता है. अभी मैंने पूरा एग्जैक्ट जगह निकाली है, ही एक्चुअली लाइक वो वहाँ पर चित्राल में आता है, और वो वहाँ पर एक जगह है, लेक है, इट्स सो ब्यूटीफुल राइट. वो वहाँ पर बैठ के रात का जो सनसेट होने वाला होता है, जब सनराइज होने वाला होता है, ही जस्ट सिट्स देयर राइट, और वो पूरा बैठ के ही जस्ट लुक्स अराउंड, और उनको इतना पसंद है कि वो पाकिस्तान आते हैं अपनी हॉलीडे के लिए, अपने ओन लाइक हिज ओन प्राइवेट प्लेन, उस पर वो आते हैं. जस्ट बिकॉज कम ऑन, हमारे मुल्क में इतनी खूबसूरती है, इट्स लाइक सो ब्यूटिफुल, लेकिन यहाँ पर कोई ख्याल नहीं रखता, यू नो, लाइक ऑब्वियसली. हाँ, माई फादर, ही वॉज शोइंग दिस पिक्चर ऑफ प्लेस, यूके में जब हम थे, उन्होंने एक पिक्चर जो अपने फ्रेंड को दिखाई थी, एंड ही आस्क्ड हिम, ये कौन सी जगह है, मुझे ये जगह बताओ. और वो जो फ्रेंड है उनका, वो बाहर का, वहीं का था, तो ही वॉज लाइक के, ऑब्वियसली ही वॉज वाइट, सो ही वॉज लाइक के पिक्चर है, और वो पिक्चर जो है इस्लामाबाद की थी, एंड ही वॉज लाइक नहीं, तो यूरोप की पिक्चर है, स्विट्जरलैंड है, यहाँ इधर उधर की.
सो बेसिकली ही डिडंट नो कि ये कहाँ की थी और उसको पता ही नहीं कि इस्लामाबाद इतना खूबसूरत है. पता ही होता कि पाकिस्तान में यार कितनी खूबसूरती है, कितनी फैसिलिटीज हैं, वो समझते हैं अभी तक पुराने जमाने में चल रहे हैं. बट इट्स नॉट लाइक दैट, ओके. बट या वी हैव गॉट कॉल. हेलो हेलो हेलो. हाय, टीवी का वॉल्यूम प्लीज आप अक्सर बंद कर दें. हेलो हेलो, क्या हो गया ये? हेलो अक्सर, टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें इससे पहले कॉल कट जाए. कर दिए बंद. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ. कैसे दिन गुजर रहा है? बस गुजर ही रहा है. अच्छा, क्यों क्यों कुछ किया नहीं पूरा दिन? बस घर में रहती है ना इसलिए. अच्छा, हाउ ओल्ड आर यू? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपका शो बहुत अच्छा है. थैंक यू सो मच अक्सा. कितने साल की हो? मैं 16 साल की हूँ. अच्छा, इतना सोच के जवाती है मैं मतलब कितने साल, एज नहीं पता. आपसे बात करके इतनी खुशी हो रही है ना, बोलने नहीं हो रहा. अच्छे अक्सा, ये ना हमारा मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओ माय गॉड इससे बात हो गई तो खुशी मिल गई. होता है ऐसा, लेकिन मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ. मैं भी कितने लोगों की फैन हूँ. मैं भी जब बात करूंगी ऑब्वियसली मैं भी नर्वस होंगी, लेकिन इट्स वेरी नॉइस टॉकिंग टू यू. लेकिन हम अक्सर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं मैं, जो कि टॉपिक है क्वेश्चन. अगर आपकी लॉटरी निकलती है तो आप क्या करोगी? मेरी निकलती है तो मैं अपने अब्बू के लिए बिजनेस बनाऊंगी, क्योंकि उनका बिजनेस नहीं है ना, इसलिए मेरी बहुत ख्वाहिश है. That is so nice of you. बहुत अच्छा आपका वो है स्कोप और ये वो सारा. That's very nice. तो obviously इस तरह की होनी चाहिए thinking, you know, अच्छे काम करने के लिए. जी. Yes, sir. Thank you so much for calling. All right, guys. हम अभी अक्सर से बात कर रहे थे, उनका point of view बहुत अच्छा था. और कुछ इसी तरह होना चाहिए, you know, वो काम करो, that's something which is worth it, right? So with this, we're gonna go for a short break. Don't worry, we're keep watching Girls Republic. Hello, guys. Welcome back from the break. You guys are watching Girls Republic live only on ARY Musik. We come live from Monday to Thursday, 4 to 5 p.m. as you guys know. And yeah, we're all about lottery. That's why. Okay, I'm singing. But yeah, हमारे पास कॉल आ गई है. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आयशा कैसी हो? अनम. अनम, अच्छा मुझे गलत नाम बता दिया उन्होंने, सॉरी. और अनम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ. हाउ इज योर डे गोइंग? वेरी नाइस. हाँ, इट्स गोइंग ऑलराइट. थोड़ा सर में दर्द है लेकिन ठीक हो जाएगा. और वहाँ का मौसम कैसा है? पिशावर का मौसम कैसा है? मौसम गर्म भी है, ठंडा भी है, नॉर्मल है. बस धूप निकली हुई है. गर्मी भी है, ठंडा भी है, नॉर्मल भी है, धूप निकली हुई है. ये क्या होता है, ये कैसा वेदर? चलो खैर है. चलो हम अनम, ये बताओ अगर आपकी लॉटरी निकल जाए तो आप क्या करोगी? मेरे ख्याल से मैं गरीबों की मदद करूंगी. आई वुड जस्ट डोनेट. ये बात हुई ना, ये चीज कौन सा गरीब जी? हम भी तो है ना, हमारी भी हेल्प कर... क्या मुझे मैं डायरेक्टर कामरान बोल रहे हैं. सो ये हम भी हैं, हमारी भी हेल्प कर. अच्छा नहीं, जोक्स अपार्ट, आप किसकी मदद करेंगे? किसकी? हाँ ऑब्वियसली करना भी चाहिए. हाँ जी, क्योंकि आप क्या मदद करेंगे? जैसे इनके आप उनके लिए घर करेंगे, उनका शेल्टर एंड एवरीथिंग, तो आप बताएं. मैं शेल्टर करूंगी और खाने का सामान, बस काफी हो गया ना. ऑब्वियसली यही आजकल की ये नीड्स होती है, मेन नीड्स यही है ना, खाना होना चाहिए. और हाँ जी, और बाकी के पैसे कहाँ जाएंगे? इतना सब गरीबों का नहीं है. बाकी अगर होगा वो अपने ऊपर खर्च कर लूंगी, कुछ तो होना. अपने ऊपर कोई नहीं करोगे? अपने ऊपर करूंगी थोड़े बहुत जब कोई जरूरत पड़ जाए. चलो ये ठीक है, ये दैट्स वेरी गुड. अनम, हम जो है, मैंने आपको पहले मैंने बताया था, पहले भी कॉल आई थी तो अगर जी? आपने सुना हो उनको, मैंने जी? बताया था 14 अगस्त के बारे में जो हम करेंगे कुछ. क्या? ओ नहीं नहीं नहीं, आप पेशावर में है, यू कांट कम टू कराची.
लेकिन हम जो है यहाँ पे वो कर रहे हैं 14 अगस्त पे कुछ करेंगे, तो उसके लिए टीम बनानी है हमें. अच्छा. तो इसलिए उसके लिए लड़कियाँ चाहिए थी, तो यू नो वी कैन डू समथिंग अबाउट फॉर लाइक फॉर खुनशे, तो इसलिए पाकिस्तान. अच्छा, एक्चुअली मैं भी कराची जा रही हूँ. अच्छा. हाँ जी, एक्चुअली मेरी कजन की शादी वहाँ पे ही है. अच्छा, तो 14 अगस्त की बात हो रही है, नेक्स्ट मंथ, जो कि अभी एक दिन बाद है. अच्छा. हाँ, एक्चुअली मैंने आपसे पूछा था, इनके पास मेरा एड्रेस है, मुझे गिफ्ट इन्होंने भेजना है. ये देव को योर एड्रेस. हाँ, है उनके पास. अच्छा, तो आपको गिफ्ट मिले? नहीं मिला ना, वही. हाँ, तो क्योंकि गिफ्ट आए जा चुके हैं और आपको मिल जाएगा. आप शावे में कुछ के रह गए. आज एक्चुअली महीना हो गया है. चाहे हाँ, वो जानते हैं. अच्छा. हाँ, तो मिल जाएगा आपको. जाऊंगा भाई. ओके. आप वैसे भी कराची आई ना, तो आके ले लेना. नहीं, मजाक कर रहा हूँ. इट विल बी फर्स्ट टाइम, पहली दफा. हाँ, यू गोना लव इट हियर, ट्रस्ट मी. अच्छा. लेकिन गर्मी बहुत है जी. अच्छा, इतने अच्छे अच्छे लोग होंगे तो फिर अच्छा ही होगा ना सर. आई एम श्योर यू गोना हैव फन हियर, डोंट वरी, यू गोना लव इट. यहाँ पर तो इसलिए हम बात कर रहे हैं अभी, जो अगर आप लॉटरी जीतेंगे तो आप जो है क्या लेंगे, क्या करेंगे उसका, पैसों का क्या करेंगे. और yeah, we just talking about this thing. और मैंने तो सोच लिया, अगर मेरी लगती है फर्स्ट थिंग, मेरी पहली चीज, लेकिन ये नहीं कि सारे पैसे नसीब लगा दूंगी. ऑब्वियसली सेव भी करो, अगर लगती है तो चीज पहले लगने चाहिए. That's what I keep saying. और हाँ, वो जो उन्होंने अभी आप जो saying, right? उन्होंने जो पिक्चर दिखाई उनको, मेरे पापा ने मेरे फ्रेंड को दिखाई, मेरे फ्रेंड को नहीं, मेरे पापा ने अपने फ्रेंड को यूके में दिखाई थी, और उनको नहीं पता था कि पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, राइट? और उन्होंने जब देखी, he was like, अच्छा ये तो यूरोप या स्विट्जरलैंड है, एंड इट वाज इस्लामाबाद. आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, इतना बताया था, लेकिन फिर से मुझे बताना था, इसलिए आई एम सॉरी. बट या जस्ट यू नो, आई लाइक पेइंग थिंग्स, दैट्स हाउ आई एम लाइक. बट एनीवे, वी हैव गॉट कॉल. हेलो. हेलो, वालेकुम सलाम. कौन बात कर रहा है? मैं सबा बात कर रही हूँ, राहुल दिल्ली से. सबा, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसे हो? मैं भी ठीक. और आपका दिन कैसा गुजर रहा है? दिन बहुत अच्छा गुजरा, मैं कॉफी शॉप से फारिग होकर अभी आई. आप क्या करती हैं? मैं प्राइवेट फर्म में जॉब कर रही हूँ. ऑलराइट, अच्छा, तो दैट्स वेरी गुड. और आप बताएं, हमारा जो क्वेश्चन है आज का, लॉटरी अगर आपकी लगती है तो आप क्या करेंगे? वो मैं शायद अपनी अम्मी को दे दूंगी. हाँ, अपनी मदर को दे दूंगी शायद. ओह, दैट्स वेरी नाइस. तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ करना चाहेंगी किसी? उन्होंने मेरे लिए बहुत कर दिया ना, तो फिर मैं उनको कुछ जो बनता होगा वो मैं उन्हें दे दूंगी. ऑलराइट, चलें, दैट्स वेरी गुड. आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, मैंने फर्स्ट टाइम किसी प्रोग्राम में कॉल की है. अच्छा, आप शुरू से देख रही हैं ये जो चल रहा है अभी आज का? जी जी, मैं देख रही थी आप लोगों का प्रोग्राम, और मैं देख रही फर्स्ट टाइम ही है. डरती हूँ की ये मतलब होता भी है या फेक कॉलर्स आ रहे होते हैं. नहीं नहीं, फेक नहीं होते, हमें कौन फेक करेगा. आप हमें रोज किया करें, हम रोज बात करें. अब मैं सबको बताऊं, मेरी नहीं है प्रॉपर डायरेक्शन में अपनी डायरेक्ट कॉल. आवाज नहीं आ रही. आप जो है हमें रोज कॉल किया करें, रोज हमारा मंडे टू थर्सडे आता है शो, तो 4 to 5, सो या यू कैन कॉल अस. Because it's always nice talking to everyone. Really. Alright, thank you so much for calling. Thank you for calling. और जो है, अच्छा अभी मेरे पास कोई और माइंड में बात थी, मुझे करनी थी, but my director is like, हमें जो है obviously time हो गया, so we can't you know waste another minute. Life is so like, our time is so precious. Sense ही बन रहा. Time is so precious in life. Obviously, एक मिनट भी आप वेस्ट ना करें. So yeah, with this I'm gonna sign off. Obviously, मैं जाऊंगी अब. You guys look after yourself. अगर लॉटरी लगती भी है, पहले जो है अपना मुल्क का सोचें, फिर बाद में कुछ करें. No, I'm just saying. लेकिन हर किसी का अपना व्यू होता है. I can't really say nothing. हर किसी के opinions होते हैं. So yeah, just you know, have fun in life and forget all about stress. And yeah, just look after yourself and look after your country. And yeah, with this I'm gonna sign off and I'll see you later next time.